हम ओएसपीएफ पढ़ रहे हैं। ओएसपीएफ में हमारा जो आज का टॉपिक है, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, हम एल एस ए पढ़ रहे थे, जिसमें हमने तमाम एल एस ए को डिस्कस किया था, और जो डिटेल में पढ़ने वाले थे वो डिटेल में पढ़े थे, और जिन्हें सिर्फ ओवरव्यू चाहिए था वो हमने ओवरव्यू लिया था। तो आज हमारा एक एल एस ए रह गया था जिसका नाम है एल एस ए 7। जी एल एस ए 7, एक एल एस ए रह गया जिसका नाम है एल एस ए 7। इसको हम क्या कहते हैं, एन एस एस ए, ये एरिया के टाइप भी है। तो मतलब हुआ नोट, सो, स्टबी, एरिया, ठीक है जी, ये एरिया की टाइप भी है, ठीक है। नोट, सो, स्टबी, एरिया। ये हमारा एक रह गया था एल एस 7, जो क्या है, एन एस एस ए। बस गई और स्क्रीन शेयर हो गई है। अच्छा ओ नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर हुई अभी, मैं करता, सो सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं की, मैंने क्लास स्टार्ट कर दी। गई। हो गई है ना, चलें जी, बहुत अच्छी बात है कि स्क्रीन शेयर हो गई है। तो शुक्र है वो बोल पड़ा, नहीं तो आप तो बोल ही नहीं मैं पिछला लेक्चर पे देख रही हूँ तो रहे। अच्छा जी, चलें, अच्छी बात है। अच्छा जी, एल एस 7 आप पढ़ने लगे, जो कि एन एस एस ए में बता रहा था कि लास्ट लेक्चर में हमने एल एस स्टार्ट किए थे, और जब हमने टाइप्स ऑफ एरिया पढ़ी थी, इसमें हमने जो लास्ट एरिया की टाइप थी एन एस एस ए, उसे हमने छोड़ दिया था। इसी तरह क्योंकि वो 7वां एल एस ए हमारा, जो कि एन एस एस ए, नॉर्थ वेस्ट एरिया, तो आज हम उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एन एस एस ए में होता क्या है, मैं अगर नॉन टेक्निकल तरीके से अगर मैं समझाऊं, पहले मैं जैसे आपको समझा रहा था, मैंने आपको बताया था कि समझे कि हमारा एक घर है, हमारे थोड़े से मुआशी हालात खराब हो गए, तो हमने कहा जी रिश्ते मेहमानों जो उनसे मेरे हमसायों का आना बंद कर दो, ठीक है जी। फिर मैंने कहा कि जी अब हम हमसायों की तरफ जा भी नहीं सकते और हमसाये हमारी तरफ आ भी नहीं सकते। उसके बाद हमारे और खराब हुए, जो कि क्या था, टोटली स्टब था, जी ठीक है जी। टोटली हाँ जी स्टब में मैंने कहा कि जी अब रिश्तेदारों को भी मना कर दो, जी उसमें हमने क्या किया, हमसाए और रिश्तेदार दोनों बंद कर दिए, टोटली स्टब। अब ना हम उनकी तरफ जा सकते हैं, ना वो हमारी तरफ आ सकते हैं। अब ठीक एनएसएस में क्या है, नॉर्थ वेस्ट स्टबी एरिया, इसका मतलब क्या कि ये जिद्दी तो है लेकिन इतना नहीं, जी नॉर्थ वेस्ट स्टबी जिद्दी है उतना नहीं, तो जी ये चीज अब समझने वाली है। अब इसमें होता क्या है कि मैं कोई नॉन टेक्निकल वे में समझा रहा हूँ, ये होता क्या है, मैंने जो उनसे मना कर दिया। हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है नासिर भाई, उसकी आप टेंशन। अच्छा जी, मैंने अब क्या किया, बच्चों को, सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा क्या था एल एस 7, मैं आपको समझा रहा था एन एस एस ए, जो कि हमारा नॉर्थ कोस्ट एरिया, जो कि एरिया की टाइप भी है। इसी मैं आपको बता रहा था कि हमारे, मैं एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल दे रहा था कि समझे कि हमारे स्टब में क्या करते थे, कि नॉन टेक्निकल में स्टब में क्या करते थे, हमारे रिश्तेदार हैं, हम हमसायों को मना कर दो जी, हमसायों ने नहीं आना, ना हमसायों ने आना, ना हमने उनकी तरफ जाना है। टोटली स्टब में क्या होता, हम रिश्तेदार ही बंद कर देते हैं, हमसाये और रिश्तेदार दोनों ना हमारे घर आ सकते हैं, ना हम उनके घर जा सकते हैं, समझे कि हमारे हालात और खराब हो गए। अब नॉर्थ और स्टबी में क्या है कि इसमें मैं अब नॉन टेक्निकल में समझाऊं, तो इस तरह से कि घर का सरबरा कौन होता है, समझे कि आपके फादर घर का सरबरा है, उन्होंने आपका मना कर दिया है कि आपने ना तो जाना, समझे कि ये एक आपका घर का गेट है, ठीक है जी, इधर समझे कि जी आपके घर के सरबरा जो फादर है वो बैठ गए इधर इस जगह पे। अब उन्होंने क्या करना है, यहाँ पर देखना, ताकि कोई बंदा बाहर ना ना अंदर, बाहर से कोई अंदर आ सके, बाहर से कौन अंदर नहीं आ सकता, हमसाए और रिश्तेदार, और ना आप जो उनसे बाहर जा सके, किधर, हमसाए और रिश्तेदारों के घर, ना आप घर वाले बाहर जा सके,
ना बाहर वाले आपके घर के अंदर आ सके। ये कौन सा होता है जो दरमियान की लाइन है? ये समझे कि मैं टेक्निकल में लेके जाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। अभी आप नॉन टेक्निकल में ही रखें। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे आएंगे इधर, समझे आपके, आप आए इधर बाहर अपने फादर साहब के पास, आपने कहा जी हमने जाना जी रिश्तेदारों के घर, आपके फादर साहब ने आपको मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जाना। फिर आए आप जी हमसायों के घर जाना, उन्होंने फिर मना कर दिया। फिर आप आए इधर घर जाना है, उन्होंने फिर मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने ना उनको अंदर आने देना ना आपको बाहर जाने देना। अब बच्चे हैं थोड़े चालाक, वो क्या करते हैं, वो आएंगे यहाँ लेकिन बैग पहन के, समझे जी बैग पहन के आएंगे। वो पूछेंगे जी किधर जाना आपने, आप ना कहेंगे मैंने मसायों की तरफ जाना, ना कहेंगे आप रिश्तेदारों की तरफ जाना, आप कहेंगे मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। वो कहेंगे अच्छा स्कूल जा रहे हो, फिर तुम बाहर जा सकते हो। जैसे ही आप गेट से बाहर निकलेंगे अपना बैग उतार देंगे, उतार कर जी आप रिश्तेदारों की तरफ चले जाएंगे या हमसायों की तरफ चले जाएंगे, लेकिन जी हमसाए और रिश्तेदार अंदर नहीं आ सकते। आप जा सकते हो लेकिन क्या कर रहे हो, अपने फादर को धोखा देकर बाहर जा रहे हो, उन्हें क्या कर जा रहे हो, बैग पहन कर जा रहे हो, बाहर जाकर बैग उतार दोगे और हमसाए और रिश्तेदार की तरफ लेकर चले जाओगे। अब आप कहेंगे यार पर तो नेटवर्किंग नहीं है और ये किधर बाहर जा रही है, तो ये मैं नॉन टेक्निकल वे में आपको समझा रहा हूँ, मैंने आपको पहले कहा, जी समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अब मैं आता हूँ टेक्निकल में थोड़ा सा। ये समझे कि आपके फादर साहब है, ये राउटर, और ये राउटर कौन सा होता है, एबीआर, जिसके ऊपर से गुजर के जाती है ट्रैफिक। अब यहां से अंदर कौन नहीं आ सकता, ओ आई ए और OE2, ये मैं एनएस ऐसे बता रहा हूं, ये दोनों कर दिए बंद कर दिए हैं, और ना यहां से बाहर जा सकता, इनके इन नहीं हो सकता कोई यहां पर, और यहां से जो है आउट भी नहीं हो सकता। कौन से वाले, ओ आई ए और OE2, आउट भी नहीं हो सकते। लेकिन अब ये समझे कि आप ये हैं आप घर वाले, ये जो इस साइड वाले हैं ना आपके आउट वाले, ये समझे कि आप घर वाले, इन्होंने बाहर जाना ये भी नहीं जा सकते, वो इन वाले अंदर आना ये भी नहीं आ सकते। तो यहां पर होता क्या है, ये समझे कि ये आपका है ओ आई ए और OE2, ये भी नहीं जा सकते किधर, आउट से, ये जो बाहर से आ रहे हैं ये भी बाहर से आ रहे हैं, ये तो इधर बिल्कुल नहीं जा सकते अंदर, और ये एबीआर क्या चेकिंग करने वाला। अब ये अगर वैसे एबीआर पे जाएगा, एबीआर क्या कहेगा, ओ आई ए को बाहर जाने देगा, नहीं जाने देगा, क्योंकि ओ आई ए का मतलब है वो ओ आई ए के पास जा रहा है, वो नहीं जाने देगा। OE2 बाहर आएगा, उसे भी नहीं जाने देगा। अब इन्होंने बाहर जाना, ये क्या है, क्लेवर है, चालाक है, ये क्या करेंगे, बैग पहनेंगे। बैग क्या होता है, लेबल, ये अपने ऊपर एक लेबल चला लेंगे, किसका, ON का, ये दोनों कन्वर्ट किस भी हो जाएंगे ON पे, और ये जब इसके ऊपर आएंगे एबीआर, एबीआर देगा ना तो ये OIA है और ना ये OE2 है, ये क्या है, ON है, तो ON को वो क्या करेगा, इधर से जाने देगा, अच्छा और जैसे ही यहां से बाहर निकलेंगे तो ON को दोबारा से उतार देंगे और आगे से क्या निकल आएंगे, OIA और OE2, जी समझाइए इस चीज की। जी इनके मैं आपको जो सा ये एक बता रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल नॉन टेक्निकल वे में जाकर आपको ये टेक्निकल बात समझाई, ये तक समझ आ गई। हाँ जी चलें जी, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आ गया हमारा, ये इधर तक ये समझ आई। अब मैं आपको समझाता हूँ, अब हम चलते हैं अपनी लैब की तरफ, कि लैब में होता क्या, लैब कैसे परफॉर्म करेंगे। अब मैं कह रहा हूं मेरे अंदर से आने हैं, तो जब अंदर से आने हैं तो मुझे पहले अपनी टोपोलॉजी बनाता हूँ। ये आ गया मेरा R1, ये आ गया मेरा R2, ये आ गया मेरा R3, यहां पर क्या आ गया, यहां पर और यहां पर,
50.100 आ गया। ये टोपोलॉजी तो सबको इस टाइम जबानी याद होनी चाहिए जितनी दफा हमने इसके ऊपर लैब कर ली। टेस्ट में टोपोलॉजी चेंज हो गई, इसलिए कहता हूँ प्रिपेयर रहे। यहाँ पर क्या आ गए, ये चार आ गए जी, ये कौन से वाले आ गए जी, 19.192.1.17.0, 18.0, 19.0 और 20.0। ठीक है जी, 192 के साथ ही है, जी समझ आई इस चीज की। जी अब मैंने कहा मेरी वाले साइड से भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इधर भी मुझे बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, जी काम करते हैं, ये लाइनें बड़ी खराब लगी। इसके बाल बन गए, तो ये नेटवर्क भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बनाऊंगा, 193 कर देता हूँ, डॉट वन ठीक डॉट सेवन, उधर 192 है, तो यहाँ पर 193 कर दिया। 18.0, 19.0 और 20.0। और जी यहाँ पर कर देते हैं हम इस तरह से स्टेटिक राउट। ठीक है जी, जी और इस तरह यहाँ पर भी कर देते हैं, ये क्या है, स्टेटिक राउट। और यहाँ पर आ गया हमारा, कितने एरिया में क्या आ गया, OSPF 1 Area 1। और यहां पर क्या आ गया, ये आ गया हमारा OSPF 1 Area 0। तो ये हमारी टोपोलॉजी है। अब जी मैंने कहा बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते, इनके ये वाले जो इसके जितने राउट है, इनके जिसके वाले OE 2 समझ लेंगे, इधर नहीं आ सकते, R2 से गुजरे, क्योंकि R2 मेरा ABR है। ABR क्या समझे, घर का वालिद साहब है ABR। जी लेकिन जो अंदर वाले ये बाहर जा सकते हैं, ये समझे कि यहाँ के जो OE2 है इधर से जो आने हैं वो इधर से जा सकते हैं, लेकिन क्या बन के जाएंगे, ON, इधर ON हो जाएंगे, लेबल लगा लेंगे अपने ऊपर ON का। और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, OE2 दोबारा बन जाएंगे, समझाइए इस चीज की। तो ठीक है हम ये लैब परफॉर्म करते हैं, किसी का कोई सवाल हो तो पूछे, कोई इशू ही नहीं है। ये ना सीरी का ग्राफिकल वर्जन भी है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, यही चीजें सिर्फ ग्राफिक्स में है, तो वो इन्होंने नया भी निकाला है, उसको Web UI बोलते हैं। ये मिनके ये ना EVNG वालों का मुकाबला कर, EVNG मैंने बताया ना सबसे अच्छा सिमुलेटर है, तो ये उसके जोन से ना वो जा रहे हैं, जो EVNG के ना इमेजेस वगैरह वो इधर भी चल जाते हैं इसके ऊपर भी, अच्छा करेंगे इसका भी इंट्रो EVNG का किसी।
नहीं, जिनके ऑन होने का वेट करते हैं, 1-2 मिनट में ही ऑन हो जाएंगे। नहीं जी, हो गए ऑन। नहीं जी, आईपी एड्रेस मैं रोज आपके, मेरे पास ये टोपोलॉजी सेव भी पड़ी हुई है सारी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, लेकिन मैं रोज आपके सामने करता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए चीजें। क्या हो रहा है? इंटरफेस सीरियल 150 एक्सपीरियंस। और जी कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेसेस करते हैं साथ ही, मैं वो भी चला लेता हूँ SPF 1 VS0। ओ सॉरी, सिंगल आईपी एडवर्टाइज करते हैं, वैसे ये भी कर सकते हैं लेकिन हम सिंगल करते हैं। एरिया 1 एरिया 1 एग्जिट, यहाँ पे स्टैटिक रोड भी देते हैं हमने, देने ना इधर भी, इसी साइड पे भी देने हैं इस दफा, जी 193 के साथ। जी जीरो 18 19 एंड 20। यहाँ पर मैं इनको रीडिस्ट्रीब्यूट भी अभी से ही कर देता हूँ। बताएं R3 पे कितने राउट होंगे सारा चलने के बाद? टोपोलॉजी बनाई है ना काफी, हमें R3 पे कितने कितने राउट? राउट होंगे? R3 का राउट टेबल क्या होगा? चार, चार होंगे, सारा कुछ चल रहा है। सारा कुछ चला के एक नेटवर्क बताएं, टोपोलॉजी में नेटवर्क कितने हैं? दो 8 होंगे। 8 नेटवर्क है टोपोलॉजी में, दोबारा गिने हैं। टोपोलॉजी बनाई थी, जी गिने फिर कितने होंगे? नो 9 होंगे, दोबारा गिने। टोपोलॉजी अंदर 15 होंगे, फिर दोबारा गिने। तुक्के नाल गए, नेटवर्क गिन के बताए मुझे। अच्छा नेटवर्क साथ ही होंगे हाथ होंगे, जी, गिरे दोबारा होगा, फिर से क्यों? तब तक गिनती रहेंगी या लेकिन कितने तेरा तेरा होंगे। अब गया सही बताया, अब बता दिया। कंसेप्ट याद रखना है, रट्टा नहीं मारने। तेरा है नेटवर्क है ना?
जी। तेरह ही रोबोट होंगे ना, ठीक चार चार स्टेटिक वाले देखे, जी। चार आर वन पे स्टेटिक और चार आर थ्री पे कितने जी हो गए, आठ, आठ और पांच दरमियान के हैं, जी एक वन वाला, एक टू वाला, दो, और एक 150 वाला, एक 100 वाला और एक 150 वाला। जी ठीक है। मैं साथ साथ वेरिफिकेशन भी कर रहा हूँ कि ठीक जा रहा सब कुछ। जी री डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी, आर थ्री पर, आर वन पे नहीं की अभी मैंने री डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो करवाया ये तो कॉन्फ़िगरेशन सारी आपके पास पड़ी हुई है, ये तक तो मैं सारा काम किया था जी। जी। आर वन पे 13 राउट होंगे, आर टू पे कितने राउट होंगे, आर वन पे भी तो 13 ही होंगे ना, तो जी आर टू पे अच्छा भी 13 ही होंगे, आर थ्री पे भी 13 होंगे, जितने नेटवर्क टोपोलॉजी में है वो सब सब पर ही होंगे ना। तो हाँ ठीक है। चलिए क्या बात है, ये देखें इसके आगे दो सी आगे, एक 1.0 वाला और एक आगे 50.0 वाला, एक ओएसपीएफ से आ गया कौन सा 100.0 वाला, और जी दूसरा ओएसपीएफ से आ गया कौन सा, यहाँ पे एक और ओएसपीएफ होना चाहिए, नहीं, एक से ही आएगा ओएसपीएफ से, एक ही आएगा 100.0 वाला, और एक आ गया ओ आई ए से जो कि 2.0 वाला, और दूसरा आ गया ओ आई ए 150.0 वाला, और बाकी चार आ गए ओ ई टू जो कि दूसरे नेटवर्क में से आ रहे हैं, दूसरे एएस में से आ रहे हैं जो कि 192 वाले हैं, और ये चार हैं, और चार आ गए एस जो कि स्टेटिक है जो कि हमने इस रोटर पे दिए हैं 193 जी वाले, ठीक है जी। जी आर टू पे आते हैं, शो आईपी राउट करते हैं, देखें जी इस पे दो आ गए सी, तीन सी आएंगे इसमें आर थ्री में, आप टोपोलॉजी सामने निकाल के रखें ठीक है। जी जी की आर टू पे भी रीडिस्ट्रीब्यूशन की कर दी है, नासर भैया आपने 9 बताया बिल्कुल गलत बताया आपने। चलें जी सी आ गए एक 1.0.0 वाले, एक आ गया 2.0 वाला, और एक सी आ गया 100.0 वाला, क्योंकि इसके तीन डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक जी है जी। उसके बाद इसका आ गया 50.0 वाला जो कि आर वन के नीचे का नेटवर्क, ये ओ से आया क्योंकि ये ए बी आर और ए बी आर दोनों रोटर दोनों एरिया को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ये रोटर एरिया वन के अंदर भी है और ये रोटर एरिया जीरो के अंदर भी है, इसलिए इसका कोई ओ आई ए नहीं आएगा, इसके सारे क्या आएंगे ओ के ओ ई टू आएंगे या सी ओ आएंगे, इसका ये 50.0 आ गया एक, हाँ ये जी एरिया सेम है। दरमियान का रोटर देखे ना आप, आर टू टोपोलॉजी सामने खोली हुई है आपने, तो जी मैंने खोली है। देखें जो आर टू है ये दरमियान का रोटर नहीं है, हाँ जी ये देखें एरिया वन में भी आ रहा है और एरिया जीरो में भी आ रहा है, ये 50 वाला 50.0 वाला नहीं नहीं 150 वाला, दरमियान का रोटर कौन सा, ये वाला आर टू, जी। आर टू की बात कर रहा हूँ, 50 वाला तो आर वन है ना, मैं दरमियान के रोटर की बात कर रहा हूँ,
तो वो एरिया 2-1 में आ रहा के है। वाले की स्क्रीन पे देखे जरा, जी इस वाले की बात कर रहा हूं। तो ये देखिए, ये एरिया 1 में भी आ रहा है और ये एरिया 0 में भी आ रहा है। अच्छा, राउटर ठीक है। तो ये देखिए, ये दोनों एरिया में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये ए बी आ रहे हैं। तो हाँ इसके अंदर तीन सी आएंगे, एक ये वाला सी, एक ये वाला सी और एक ये वाला सी। जी, उसके बाद ओ आएंगे इसके लिए, एक ये वाला ओ आएगा, 50.0 वाला, क्योंकि जी ये इसी में से ही आ रहा है, इसका ये एरिया है। एक ये वाला ओ आएगा, ठीक ठीक है है जी। तो जी। दो ओ आएंगे और बाकी ये वाले चार क्या आएंगे, इसके अंदर ओ ई टू आएंगे और ये वाले चार भी क्या आएंगे, ओ ई टू आएंगे। तो जी चार और चार आठ, ओ ई टू आएंगे, दो ओ आएंगे। ठीक है। तो देखें, दो ओ नजर आ रहे हैं इस टाइम आपको, एक फिफ्टी जी डॉट जीरो वाला और एक 150.0 वाला। तीन ठीक है। सी नजर आ रहे हैं, ये दो ऊपर वाले आ गए, इधर आ गया, जी बाकी आठ ओ ई टू नजर आ रहे हैं। ये देखें, 193 से और 192 से, समझ जी आ गई अब। हाँ जी और आर थ्री का रोइन टेबल भी आर वन की तरह है, शो आई पी राउट करूं अगर मैं, तो देखें यहाँ पर क्या आएंगे, ये दो सी आएंगे जो कि 2.0 वाला नेटवर्क और एक 150 वाला नेटवर्क। जी और उसके बाद क्या आएंगे, तीन ओ आई ए आएंगे, एक आएगा 1.0 वाला ओ आई ए क्योंकि वो एरिया 1 से आ रहा है, ये एरिया 0 है। जी एक आएगा इसमें ओ आई ए 50.0 का जो कि R1 के नीचे का नेटवर्क है, ठीक है। और एक अगर याद हो R2 का जो जिंदगी नीचे का नेटवर्क था 100.0 वाला, वो भी हमने एरिया 1 में एडवर्टाइज करवाया हुआ है। हाँ जी ये एरिया 0 है तो वो भी ओ आई ए से आएगा। जी और बाकी कितने बचे, आठ जो चार जो उनसे 193 वाले, तो ये जी चार जी ओ ए टू से आएंगे जो कि R1 से आ रहे हैं, और 192 इसके अपने स्टेटिक हैं, वो तो वो ऐसे नजर आएंगे चार, ठीक है जी। ठीक है। हाँ समझ आई इधर तक, किसी का कोई सवाल हो। ये देखें, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन करवाई है R3 पे मैम, ये किधर गई, ये करवा दी, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन के एक ही कमांड है, R1 पे भी यही होगी, R3 पे यही होगी। चलें जी, अब हम क्या करने लगे हैं, NSA से नॉर्थ शोर स्टबी एरिया करने लगे। और मैंने कहा था एरिया 0 स्टब नहीं होता, जहाँ टोटली स्टब नहीं होता, या NSA नहीं होता। R2 पे कोई नहीं होगी, R2 पे क्यों हमने करनी है, R2 पे तो ऑलरेडी चल रहा है, R2 पे रेडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत ही नहीं है। टोपोलॉजी अगर आप गौर से देखें तो आप समझ ही नहीं कॉन्सेप्ट को। ये देखें, R1 पे होगी और R3 पे होगी, हमारा R1 एस बी आर है और R3 एस बी आर है। आगे चीजें आएंगी ये वाली। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, मैंने कहा था एरिया रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, तो एरिया 1 हमारा रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एरिया ओ सॉरी रिडिस्ट्रीब्यूट कह रहा हूँ, स्टब जोन सा, स्टब टोटली स्टब या नॉट सो स्टब एरिया NSA से एरिया होता है, और एरिया 0 पे तीनों काम ये नहीं चलते, ये एरिया 1 पे करने पड़ते हैं, या कोई और एरिया होगा उस पे होंगे, एरिया 0 नहीं होता, हम एरिया 1 करेंगे। तो एरिया 1 में हमारा दो रोटर है, जितने रोटर होंगे उन सब पे करना पड़ेगा, क्योंकि रोटर स्टब या टोटली स्टब या NSA नहीं होता, एरिया होता है, और उस एरिया में जितने रोटर होंगे उन सब पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो हमारी टोपोलॉजी देखा जाए तो हमारे एरिया 1 पे कौन कौन सा राउटर आ रहा है, R1 आ रहा है और दूसरा R2 आ रहा है जो कि एरिया 1 में आ रहे हैं, ठीक है जी। जी तो हम इन दोनों के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो जी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलता हूँ, जाने के बाद मैं राउटर OSPF में जाता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था टोटली स्टब करने के लिए स्टब होना जरूरी है, फिर टोटली स्टब होगा,
लेकिन NSSA करने के लिए आपको कुछ भी होना ना कोई कोई जरूरत नहीं है, मीन कि आप डायरेक्ट नोट्स पर भी कर सकते हैं, अच्छा ठीक है जी। जैसे ठीक है, कि मैंने अभी कुछ भी नहीं किया हुआ तो मैं बस टोटल NSSA करने लगा, तो मैं आप क्या जी करता हूँ, एरिया वन और आगे NSSA, ठीक है जी, जी एरिया वन NSSA और एंटर ठीक कर है दिया। और अब ठीक मैं चलता हूँ R2 पे भी यही काम करता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल रोटर OSPF वन, यहाँ पे लिखें एरिया वन, और अगर मैं क्वेश्चन मार्क करूँ तो ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, NSSA स्पेसिफाई या NSSA एरिया, तो यहाँ पे मैं जी NSSA लिख देता हूँ, यहाँ पर भी वही कमांड चला रही सेम, ठीक है जी। जी ये कमांड लिख ली सबने, जी सिंपल कमांड है एरिया वन NSSA। चलें जी जी अब मैं दिखाता हूँ आपको R1 पे शो IP राउट, तो R1 पे क्या चेंजिंग होगी, वो बंद हो गए वो बंद हो गए ओए जो OE2 आ रहे थे, जी OE2 बंद हो गए, ठीक ठीक है है जी, क्योंकि उनको वो अंदर आने नहीं देगा, ठीक है 192 वाले जो R3 वाले थे, ये 193 वाले तो हमारे अपने ही है ना R1 के, तो जी वो वाले क्या हो गए, बंद हो गए, ठीक ठीक है है जी। R3 पे कमांड देते हैं शो IP राउट, R3 वैसे का वैसा ही रहेगा, अच्छा R3 का रोहिंटा टेबल लिखवाया था ना शुरू में आपने, कहा 13 राउट आ रहे हैं, जी देखें यहाँ पे 13 के 13 नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठीक है मैंने कहा था उनको अंदर नहीं आने देंगे ये, लेकिन खुद बाहर जाएंगे हाँ अपने ऊपर लेबल लगा के, किसका, ON का, जी इनके बैग पहन के गेट पे आएंगे, गेट पे बैग, अब कह कर किस जा रहे हो, हम की एकेडमी जा रहे हैं, कहेंगे ठीक है चले जाओ, बाहर निकल सार बैग उतार देंगे और बैग हाँ उतार कर अगली साइड पे वैसे ही नजर आएंगे OE2 से, ठीक है 193 वाले, इनके इसके क्या थे, दो इसके सी थे, एक 2.0 वाला और एक 150 वाला, जी उसके बाद चार इसके एस थे जो कि 192 वाले थे इसके अपने स्टैटिक, जी और उसके बाद ओ आई ए था, वो किधर से आ रहा था, एक ओ आई ए आ रहा था 1.0 वाला क्योंकि वो दूसरे एरिया से आ रहा है, एक ओ आई ए आ रहा था 50.0 वाला जो कि R1 का नीचे वाला नेटवर्क क्योंकि ये भी दूसरे एरिया से आ रहा है, और एक जी ओ आई ए था R2 के नीचे वाला 100.0, आपको याद होगा कि ये भी अपने दूसरे एरिया से एडवर्टाइज करवाया था, जी एरिया वन जी और बाकी क्या आ रहे हैं, OE2 आ रहे हैं जो कि रीडिस्ट्रीब्यूट होकर आ रहे हैं, जी ठीक है और S से हमें क्या नजर आ रहे हैं, इसके अपने स्टैटिक स्टैटिक राउट, और R1 पे हमारे पास सिर्फ इतने नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनको बंद कर दिया OE2 को, वो अंदर नहीं आ सकते, हाँ R3 वाले स्टैटिक नहीं आ R3 सकते। वाले स्टैटिक राउट अंदर नहीं आ सकते क्योंकि और अगर हम R3 में ये NSSA की लगाएंगे तो वो भी R3 पे ऐसे लग ही चलेगा। नहीं सकती, R3 पे एरिया 0 है, अच्छा ठीक है एरिया 0 पे हो ही नहीं सकता। अब मैं R2 पे आता हूँ जो कि क्या है, R2 हमारे क्या है, फादर जी जो कि बाहर नहीं जाने जी दे रहे, जो जी IP राउट करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये रहे क्या दिखाकर जा रहे, ये देखें जब OE2 आता है 192 वाले जोन से जो कि R3 से आ रहे हैं, जी वो इधर तक पहुंच रहे हैं लेकिन इधर से आगे नहीं जा रहे, R1 पर तक नहीं जा रहे क्योंकि हाँ 2 तक आ रहे हैं वो इधर से R3 बंद कर रहा है आगे, वो कहता आप अंदर नहीं जा सकते, वो हमसायों को बंद कर रहा है, ठीक है और जो 193 वाले आ रहे हैं वो OE2 से नहीं आ रहे, वो क्या पहन के आ रहे हैं, ON, जी ON ये ON क्या समझे कि बैग है, जी एन बैग है। अब देखें वन ये R2 अबू फादर जोन से वो क्या रोक रहे हैं, वो OE2 रोक रहे हैं, जी ये OE2 बन के ही नहीं आ रहे, ये यहाँ पर ठीक ON पहन के आ रहे हैं, ये देखें 193 वाला आ गया, ये देखें वब ये 193, ये भी 17 18, फिर ये देखें यहाँ पर 19, और ये देखें ये जी 20, और जैसे ही ये R3 पे जाते हैं तो ये फिर दोबारा OE2 हो जाते हैं, बैग उतार देते हैं, ठीक है समझ आई,
हाँ जी जो मैंने एग्जाम्पल दी थी अब समझ आई एग्जाम्पल क्या दी थी? जी जी समझ गए अब इनके पूरी समझ आ गई होगी। जी। कोई सवाल हो इधर तक किसी का भी? किसी का कोई सवाल हो तो पूछे। लैब की ना समझ आई हो तो मैं दोबारा करवा देता हूँ। जी मैम आपको समझ आ गई? हाँ जी आ गई लैब हो है जाएगी? चलें जी, हो जाएगी इंशाल्लाह जी ट्राई कीजिएगा लाजमी इसको करने की। जी। ठीक है।